आज हम आप लोग के लिए लाए हैं चिरौंजी का खीर। तो चिरौंजी का खीर बनाने के लिए हम लोग को चाहिए इलायची पाउडर, चावल, चीनी, चिरौंजी, किशमिश, काजू। और मेरे पास यही अवेलेबल था। आप लोग के पास और भी ड्राई फ्रूट्स है अगर तो आप लोग डाल सकते हैं अगर होगा तो। और दूध, जो कि सबसे ज़रूरी है खीर बनाने के लिए। तो दूध हम लोग को चाहिए 1.5 से 2 लीटर, ताकि दूध को जलाते जलाते गाढ़ा करने के बाद हम लोग को खीर बनाना है, ताकि खीर हम लोग का मलाई की तरह बने। तो दूध को देखिए, हम लोग दूध को हमने पकने के लिए रख दिया है और दूध मेरा पक चुका है थोड़ा। ये देखिए दूध हल्का गाढ़ा हो चुका है मेरा। अब जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक एक पैन में घी डाल के चावल को हल्का फ्राई करेंगे। और चावल को मैंने यहाँ पे पहले से भिगो के अच्छे से साफ करके और छान के रख लिया था, ताकि चावल का पूरा पानी निकल जाए। और चावल को हम लोग हल्का फ्राई करेंगे। चावल फ्राई करने के बाद हम लोग चिरौंजी को भी उसी पैन में हल्का सा फ्राई कर देंगे, ताकि स्वाद अच्छा आए सोना सोना। ये देखिए हम लोग का चिरौंजी भी हल्का भुन चुका है। अब इधर हमारा दूध भी गाढ़ा हो चुका है। और ये देखिए हमारा दूध कितना गाढ़ा हो गया। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे चावल, और चावल डाल के हम लोग अच्छे से उसको चलाते रहेंगे, क्योंकि चावल डालने के बाद वो नीचे चिपकने लगता है। इसलिए हम लोग को सबसे ज़रूरी है कि चलाना है, तो चलाते रहना है, चावल को चिपकने नहीं देना। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिरौंजी। चिरौंजी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चलाएंगे और पकाएंगे, ताकि दोनों अच्छे से पक जाए, चावल और चिरौंजी। देखिए दोनों मिक्स हो रहा है। मिक्स होने के बाद इसको अच्छे से पका देना है। अब इसमें हम लोग चीनी ऐड करेंगे अपने स्वाद अनुसार, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर दीजिए। ड्राई फ्रूट्स में ध्यान रहे किशमिश, जब खीर अच्छे से बन के तैयार हो जाए तब डालें, नहीं तो किशमिश खट्टा होता है हल्का, तो उसके कारण दूध हमारा फट सकता है, तो खीर ख़राब हो जाएगा। तो किशमिश हम लोग को लास्ट में ही डालना है, खीर जब बन के तैयार हो जाए और जब गैस से उतारे तब। ये देखिए हमारा खीर बन के तैयार है, गाढ़ा हो चुका है। और थोड़ा सा इसको और गाढ़ा करेंगे। अब इसमें हम लोग इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर डालने से खीर में खुशबू अच्छा आता है, तो हम लोग इलायची पाउडर डालेंगे और इसको ढक देंगे। अब ये देखिए मेरा खीर बन के तैयार है। मेरा खीर बन के तैयार हो गया। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि खीर मेरा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और मेरे वीडियो और वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि खीर चिरौंजी का खीर बनने के बाद कैसा होता है और खाने में कैसा लगता है। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी जाइए और चिरौंजी का खीर घर में बनाइए और खाइए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा है बना। और हाँ एक बात और, कितने लोग वीडियो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, यूं ही चले जाते हैं वीडियो देख के। तो ज़रूर प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।